हाय, दिस इज मनीषा सिंह. वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड, एंड एग्जाम की प्रिपरेशंस भी आपकी काफी अच्छे से चल रही होगी. तो आई हूँ आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है बिहार में पुलिस कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग. और ये भर्ती होगी बम्पर नंबर की पोस्ट के लिए. जी हाँ फ्रेंड्स, टोटल 25,000 के तकरीबन सीट्स रहने वाला है. देखिए, वैसे तो ये बिहार के लिए वैकेंसी आई है, लेकिन ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं. ये होती है ग्रुप सी की पोस्ट. तो चलिए जानें इसकी बाकी की डिटेल्स को. टोटल पोस्ट 24,259, यानी कि 25,000 के तकरीबन सीट रहेगा आगे. और इसका जो भी बेसिक डिटेल है, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ बताऊंगी. लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते, साथ ही साथ पिछले साल का जो अभी एग्जाम होने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, पिछली वैकेंसी का, अगर उसका एडमिट कार्ड का डेट, एग्जाम कब होगा, सारा नोटिस मेरे टेलीग्राम पर अपलोडेड है. तो जाइए टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. चलिए, इसके लिए जो फॉर्म फी होती है ना, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, साथ ही साथ जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं, दूसरे राज्य के बच्चे, उनसे 675 यानी 675 रुपीज लिया जाता है. वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट, साथ ही साथ बिहार डोमिसाइल की जो भी महिला कैंडिडेट है, मतलब कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस महिला कैंडिडेट, उनका आवासीय बिहार का होना चाहिए, तो उनसे लिया जाएगा 180 यानी 180 रुपया. एज की लिमिट है 18 वर्ष से 35 वर्ष. और इसमें आपको पता है कि जो अपर एज लिमिट है 35 वर्ष, उसमें रिलैक्सेशन यानी कि छूट मिलता है. ओबीसी जैसे कि बिहार के लिए बीसी और ईबीसी को 3 वर्ष का, और एससी एसटी को 5 वर्ष यानी 5 इयर्स का. क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल रिक्वायर्ड है. देखिए, जिन्होंने भी 12th पास कर रखा है, डजंट मैटर क्या स्ट्रीम है, आपने इंटर पास किया है, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, तीनों में से कोई सा भी स्ट्रीम है, तो आप एलिजिबल रहोगे. सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. ओनली 3 स्टेजेस आपका यहाँ पर है. पहले स्टेज पर है रिटन एग्जाम, यानी कि लिखित परीक्षा होती है आपकी. उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है. तो ज्वाइनिंग लेटर तक की जो भी प्रोसेस है, आइए उसको डिटेल में समझते हैं, विच इज सेलेक्शन प्रोसेस. देखिए, पहले स्टेज पर आपका ऑफलाइन यानी लिखित परीक्षा होता है. उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के लिए. पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है. टाइम रहेगा 2 आवर्स यानी 2 घंटे का. एंड बहुत ही खुशी की बात यह है ना कि इसमें कोई सा भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा. तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, तो जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, आप उसको भी टिक करके आ सकते हैं. नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर योर रॉन्ग आंसर. देखिए, सब्जेक्ट वाइज अगर बता दूं तो जनरल नॉलेज के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 प्रश्न. और उसके बाद करेंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन. एंड सेकेंड जो हाईली आस्क क्वेश्चन रहेगा वो आपका साइंस का रहेगा, 30 क्वेश्चंस. फिर आपका हिंदी से 7 क्वेश्चंस है, इंग्लिश से 8 क्वेश्चंस और मैथ से 10 क्वेश्चन. ओवरऑल आपका 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स. पेपर ऑफलाइन होगा, यानी कि बिहार के अलग अलग जिले में जो आपको एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाया जाएगा, वहाँ पर एग्जाम देना है. और दूसरे राज्य के बच्चे बिहार में आकर ही एग्जाम देंगे, क्योंकि ये ऑफलाइन है, पेन एंड पेपर मोड से होगा. और इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल होगा. तो आइए उसका क्राइटेरिया बता देती हूँ. फिजिकल में सबसे पहले हाइट मेजर होता है. तो जनरल और बीसी मेल कैंडिडेट के लिए 165 यानी 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए. ईबीसी और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर. महिला सभी कैंडिडेट के लिए कम से कम हाइट 155 यानी 155 सेंटीमीटर. चेस्ट ओनली कैलकुलेटेड फॉर मेल कैंडिडेट्स. जनरल बीसी और ईबीसी से 81 to 86 यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन रहेगा. एससी एसटी वालों के लिए 79 to 84, इसमें भी आपको 5 सेंटीमीटर ही है. रनिंग की अगर बात करें तो रनिंग 50 मार्क्स का होता है. 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ होती है मेल कैंडिडेट को 6 मिनट में कंप्लीट करना है. फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दौड़ होती है और उनको 5 मिनट में कंप्लीट करना है.
शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक जो होता है 25 नंबर के लिए होता है। मेल कैंडिडेट को 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होता है, फीमेल्स को 12 पाउंड का 12 फीट फेंकना होता है। लास्टली हाई जंप 25 नंबर के लिए होता है, 4 फीट रहेगा मेल के लिए और 3 फीट फीमेल के लिए। तो ये तो फिजिकल क्राइटेरिया है जिसमें क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सिंपल सा मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो ज्वाइन करने के बाद शुरुआती सैलरी आपकी 21,700 रखी गई है और बाद में बढ़ा के 69,000। देखिए नोटिफिकेशन में बस कहने के लिए लिखा गया कि 21,700, मान के ये चलिए। सीरियसली आपको स्टार्टिंग में 35,000 से 40,000 के बीच में सैलरी मिलता है, बाद में बढ़ते बढ़ते सैलरी आपका जैसे यहाँ पर 70 दिया गया तो 80 के करीब पहुंच जाता है। आई होप कि इसके बारे में आप सारी जानकारी समझ गए होंगे। अब रही बात कि आपका अप्लाई कब से होगा, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो पिछली वैकेंसी आई थी उसका पेपर कब होना था, अक्टूबर 2023 में होना था, तो उसको किसी रीजन से पोस्टपोन कर दिया गया था। तो फिर से री एग्जाम हो रहा है सभी बच्चों के लिए, सेंटर वगैरह भी नया रखा गया है। एडमिट कार्ड आपका कल यानी कि 15 जुलाई से डाउनलोड होगा और उसका एग्जाम का जो डेट है 7 अगस्त से शुरू होगा, पूरे अगस्त चलने वाला है। डेट वाइज सारा नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब रही बात कि ये जो नई वाली 25,000 वैकेंसी है ये कब आएगी, देखिए ये आपका अक्टूबर 2024 में जारी कर दिया जाएगा, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर उससे पहले भी हो सकता है। तो तैयारी की अपने स्पीड को बूस्ट करिए, अभी वाली जो एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर करिए और अगर कुछ वैसा हो जाता है कि इसमें सिलेक्शन ना हुआ तो फिर 25,000 सीट के लिए तो वैकेंसी आ ही रही है। आई होप कि इससे रिलेटेड सारी जानकारी समझ गए होंगे। अब भी कुछ पूछना है तो बस कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।